वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स के जहाँ पर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो आपको भूल गए हैं, राइट। अब हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, आप दोनों के बीच में टेम्पररी दूरी आ गई है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड, बट क्या वो आपको भूल गए हैं, या फिर हो सकता है कि कोई आपका क्रश है कि जो काफ़ी टाइम से आप उनको मिले नहीं हैं और आप इनको उनके बारे में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये है इस वीडियो का बेसिक आइडिया कि हम क्या देखने वाले हैं। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। ये टाइमलेस वीडियो है, ठीक है। अगर आप घूमते फिरते ऐसे ही इस वीडियो पर आ गए हैं तो यस, ये वीडियो में डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको जानना ज़रूरी है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए। अब जस्ट बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो रेजोनेट करता है आपको रखना है, नहीं रेजोनेट करता है उसे जाने दीजिए, ठीक है। ऑल्सो मेरे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, मैं हूँ प्रीत। मैं पिछले 19 साल से ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज तक मैंने 50,000 लोगों के लिए, उससे भी ज़्यादा लोगों के लिए मैंने टैरो रीडिंग्स किए हुए हैं। सो यस, मेक श्योर कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि भाई आप यू नो किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास रीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कोई पर्सन है आपके माइंड में, जो पर्सन है उसके लिए ये रीडिंग है। मेरे साथ प्रेयर करना है आपको, राइट, ताकि आपको सही आंसर मिले। सो जी हाँ, इस जैसे मैंने कहा, कुछ बातें रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं भी कर सकती, ठीक है। सो नो मैटर वट एवर इट इज, जो रेजोनेट करता है वो आपके लिए है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स बताए, क्या वो उनको भूल गए हैं वो जानने में हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन वाओ व्हाट इज हैपनिंग गाइस, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए, ठीक है। चलिए साइड पे रख देते हैं कार्ड्स को और शुरू करते हैं। ओके यहाँ पर हमारे पास है कुछ कार्ड्स और यस, चलिए शुरू करते हैं। ये व्यक्ति के आपको भूल गए हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है वो देखने के लिए कार्ड्स हैं। ये जो पर्सन है, सबसे पहले उनकी जो करंट फीलिंग्स है, ये पर्सन है कि जो फील कर रहे हो कि मेरा रिफ्लेक्शन भी आप इसमें देख सकते हैं इस कार्ड में, ठीक है। दिस इज न्यू टू मी, ठीक है। चलिए, तो ये जो पर्सन है इन्होंने कुछ ना कुछ इनके लाइफ में कुछ ठोस कुछ बनाना चाहते हैं, ठोस डिसीजन लेना चाहते हैं, इनकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस ये लाना चाहते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति पैसे में ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं कुछ इस तरह से कि जहाँ पर यस, उनके लाइफ में पैसे ज़्यादा आए, कैसे उनके ज़रिए से पैसे ज़्यादा आए, ऐसा इनकी करेंट फीलिंग, यस प्रेजेंटली ऐसा फील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो ये इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं कि जिसकी वजह से ये कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर कार्ड्स बता रहा है, दैट इज़ यस पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये वाला कार्ड बताता है कि जी हाँ, कोई नया मैसेज इनकी तरफ से, यस ये आपको मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैसेज भेज सकते हैं या इनकी लाइफ में से कोई व्यक्ति है कि जो आपको आकर इनके लाइफ का कोई मैसेज देगा कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ भी, राइट। सो दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन ऑल्सो, और इनकी यस दिस कुड हैपन, राइट। ये अभी इसमें टाइम होगा कि कब ये आएंगे, कब ये मैसेज भेजेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये वाला कार्ड बताता है, जी हाँ, यू नो ये जो व्यक्ति है, ये इनकी एक फीलिंग ऐसे भी है कि ये एकदम से आपको आकर मिल के जाए, राइट, आपको मिलने के लिए एकदम से आए और आकर मिलकर जाए, ऐसा इनको एक बार ये भी फील होता है। यस इनको मैसेज देने का भी मन कर रहा है, इनको आपको मिलने आने का भी मन कर रहा है। अब आप में से जितने भी लोग यू नो टैरो कार्ड रीडिंग जानते हैं या जानना चाहते हैं, जो जानते हैं वो सोच सकते हैं, अरे यार ये कार्ड का ये भी नहीं कैसे हो गया। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो यस, उसके लिए आपको मेरे टैरो के क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। यस यहाँ पर काफ़ी बार यू नो मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं यू नो कॉमेंट्स में कि भाई हम भी मतलब ये टैरो कार्ड का आपने ऐसा मीनिंग कैसे बता दिया। तो अगर ऐसा है तो आपको मेरे क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। सो जी हाँ, तो वो क्लास की डिटेल्स सारी यू नो वेबसाइट पर डाली गई है, बट फिलहाल यहाँ पर हम जानते हैं ये व्यक्ति आपके पास आकर आपको मिलने भी आना चाहते हैं,
यू नो ऐसे इनके फीलिंग्स ज़रूर हैं, ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट दे फील. नेक्स्ट कार्ड इज़, बट इनको लगता है कि आपके पास आएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, राइट, आपके पास आएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, या फिर ये आपके पास अगर आएंगे तो झगड़ा करने के लिए आएंगे, राइट. सो सी यू नेवर नो, अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं और वो प्रॉब्लम यू नो सॉल्व ही नहीं हो रहे कितने टाइम से, यू नो जब कोई भी व्यक्ति शांति से आपके साथ बात कर रहे हैं और आप उस बात को सुनते नहीं हैं, तब चलकर यू नो वो व्यक्ति जाकर झगड़ा करने का सोचता है. बट यहाँ पर अगर आप यू नो ऑलरेडी, अगर ऑलरेडी आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है तो भी झगड़ा होने के चांसेस है, या तो आप उनकी बात नहीं सुन रहे या तो वो आपकी बात अच्छे से समझ नहीं रहे थे और इसीलिए झगड़ा होने के चांसेस है. और इनको झगड़ने की इच्छा हो रही है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो शोइंग झगड़ने की इच्छा हो रही है. क्यों झगड़ने की इच्छा हो रही है, मे बी यू नो जो पास्ट में हो चुका है आप दोनों के बीच में उसकी वजह से झगड़ने की इच्छा. नेक्स्ट कार्ड हमारे पास ये है, इनको आपके ऊपर प्यार भी आ रहा है, ओके, झगड़ा करने की भी इच्छा हो रही है, प्यार भी आपके ऊपर उमड़ कर आ रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग. ये वाला कार्ड बताता है कि ओके, झगड़ा के साथ साथ प्यार भी आ रहा है, उसी के साथ साथ आपको जज भी कर रहे हैं, जज कर रहे हैं. मे बी पास्ट में आपने लास्ट में जो मीटिंग आपकी हुई, आपकी इस व्यक्ति के साथ जो मीटिंग हुई, हो सकता है शॉर्ट मीटिंग हो सकती है, बहुत ही लंबी लंबे समय तक मीटिंग हो सकती है, बट जो भी मीटिंग आप दोनों के साथ में हुई तो वो व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आप मतलब उसके हिसाब से वो आपको जज कर रहे हैं, ठीक है, दे आर डेफिनेटली जजिंग यू. आपने पास्ट में उनके साथ कैसा बर्ताव किया, उसके लिए कैसे उन्होंने आपने उनको ट्रीट किया, उसके लिए वो जज कर रहे हैं, ठीक है. एक और चीज़ है, यू नो ये आई थिंक एक चीज़ इनकी एक फीलिंग ये भी है कि मैजिकली सारे प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में से ख़त्म हो जाए, यस, इनकी एक इच्छा ये भी है. सो फ्रॉम दिस कार्ड आई वुड लाइक टू से, अगर इनकी मैजिकल इच्छा ये है कि आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं यू नो आपके लिए प्यार ज़रूर है इनके मन में, ठीक है. सो मैजिकली आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, और आई थिंक मैजिकली ये चाहते हैं कि मैजिकली आप दोनों कहीं पर शिफ्ट हो जाए, कहीं दूर चले जाए, जहाँ आप हैं वहाँ से दूर चले जाए. हो सकता है कि आप दोनों फैमिली के साथ रह रहे थे और अब फैमिली से दूर आप रहना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी. तो यस, ऐसी इनकी इच्छा ज़रूर है कि आप दोनों मिलकर कहीं दूर चले जाए, किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाए, कि जिसमें जिसकी के जो करने से आपके सारे प्रॉब्लम्स यू नो जो प्रेजेंट के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, ठीक है. तो ये वो चाहते हैं. एंड लास्ट कार्ड वी हैव इज दिस, ठीक है, आखिरी कार्ड जो हमारे पास आया है वो ये है कि यू नो इनकी एक इच्छा ये भी है कि आप दोनों के लिए रिलेशनशिप के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दोनों का जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, रिलेशनशिप के बारे में कुछ समय इन्वेस्ट करके दोनों के बीच में बात होनी चाहिए, या फिर या ये चीज़ है. अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात ये सोच रहे हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आपके साथ समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं, समय बिताने की सोच रहे हैं, तो जिससे यस दैट इज़ टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर रिलेशनशिप, राइट. आप किसी को प्यार करते हैं, किसी के लिए सीरियस है, उनको आप समय देना चाहते हैं, तो उनको जब आप समय देना चाहते हैं तो वो जो समय आप उनको देंगे दैट विल बी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम फॉर योर रिलेशनशिप. तो ये ऐसा ज़रूर चाहते हैं, ठीक है. सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग. चलिए अब आपको क्या करना चाहिए, राइट, इस केस में, यहाँ पर ये जो सारी हमने बातें देखी, इस केस में आपको क्या करना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं रीडिंग में, ठीक है. ओके, सो डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. ओके, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, दैट इज इट. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड आया है वो हमारे पास जो उछल कर आया था वो ये कार्ड है, डाइस का कार्ड है, राइट. ये कार्ड बताता है टेकिंग अ रिस्क, रिस्क लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में. रिस्क कैसा है वो आप जानो, राइट, बिकॉज रिलेशनशिप कैसा चल रहा है वो भी आप ही जानते हैं. अभी फ़िलहाल ये व्यक्ति आपसे, यस, वो आपसे दूर जा चुके हैं, तो इस केस में रिस्क कैसा होगा,
कि आप उनके पास जाकर या एकदम से आप उनको मिलने जाएंगे तो ये कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो यस, ये कार्ड कहता है रिस्क लेना ज़रूरी है। और लकी प्लेइंग गेम्स, मतलब कोशिश करिए, अपना लक आजमाइए कि क्या ये व्यक्ति करना चाहेंगे, तो ठीक है, तो ये आपको अपना लक आजमाना है, आपको अपना यस, आपको रिस्क लेना है और आपको आपको रैंडम रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें कार्ड में भी बताया गया है कि रैंडम रिजल्ट मिलेगा, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं रिजल्ट मिलेगा, बट ये आपको करना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर कार्ड बता रहा है, कार्ड कहता है जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन का कार्ड है, तो आपके साथ जो हो रहा है, ठीक है, वॉट एवर यू आर परसीविंग कुड नॉट बी समथिंग दैट इज़ हैपनिंग, जो आपके साथ हो रहा है वो आपके आप सही तरह से उसे जज नहीं कर पा रहे, बिकॉज यहाँ पर जो भी हो रहा है ऑप्टिकल इल्यूजन, जो हम कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, कुछ उस तरह से आपके साथ हो रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज अ कॉर्सेट, कॉर्सेट का कार्ड है ये वाला, हाँ, कॉर्सेट क्या करता है, हेल्ड टुगेदर, मतलब सारी चीज़ें एक साथ रहकर पकड़ कर चलता है कॉर्सेट, और बाउंड्रीज, रेस्ट्रिक्शन, प्रिम एंड प्रॉपर, फॉलोइंग रूल्स, स्ट्रक्चर्ड, बटनड अप, जी हाँ, तो कुछ इस तरह से अगर आप उनको मिलने जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन, ऐसे ही आप यू नो उनको मिलने चले जाते हैं, कोशिश करो कि आप यू नो अपने बाउंड्री में रहो, कोशिश करो आप अपने आप को कंट्रोल में रखो और जानने की कोशिश करो, राइट, बिकॉज अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो गेम बिगड़ सकता है, ठीक है। फिर मुझे मत बोलना कि भाई ऐसा हो गया, ठीक है, यस, यहाँ पर रिस्क लेने का कार्ड तो आया है, बट रिस्क लेते हैं तो वहाँ पर जाकर आप जो करेंगे, जैसा बर्ताव करेंगे उसमें आपको कंट्रोल्ड बर्ताव करना है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस कार्ड, ऑस्ट्रिच का कार्ड है, ऑस्ट्रिच ट्रैप, अच्छा, ट्रैप करने का कार्ड है, ओके, अवॉइडेंस, क्लोज माइंडेडनेस, रिफ्यूजिंग टू फेस रियलिटी, ओके, एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पर ऑप्टिकल इल्यूजन का कार्ड है, उसी के साथ साथ ये वाला कार्ड बता रहा है जो आपको हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है वो आप देख नहीं पा रहे हो, नॉट एग्जैक्टली देख नहीं पा रहे हो, आप देखना चाहते नहीं हो, ओके, जो आपके साथ हो रहा है वो व्यक्ति आपके साथ जो कर रहे हैं, यू आर नॉट वॉन्टिंग टू एक्सेप्ट जो वो करना चाहते हैं, आप बस अपने आप अपने आपके आपके माइंड में आपने जो सोच कर रखा है आप बस वही देखना चाहते हो आपके बाहर की दुनिया में होते हुए, कि जो हर बार पॉसिबल नहीं होता है, राइट, सो यस, जो आप मन में सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है, बट जो आप अवॉइड कर रहे हैं, जिस चीज़ के डिनायल में है, वो चीज़ आपके साथ हो रही है, ठीक है, जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है, सोच, यहाँ तो ये था आपके लिए वीडियो, एंड यस, अगर जैसा मैंने कहा यहाँ पर कि आपको कार्ड जो बताया गया है कि आपको कोइंसिडेंटली मिलने जाना पड़ेगा, यस, आप देखिए कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ऐसा करके आप बात करने चाहिए, और अगर आप ऐसे कोइंसिडेंटली बात करने जा रहे हैं तो जैसे कार्ड बताता है कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी रिजल्ट आ सकता है, नेगेटिव भी रिजल्ट आ सकता है, तो मतलब जो भी है उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अगर आपको ये विश्वास नहीं होता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इफ़ यू कैनॉट ट्रस्ट योर आईज, अपने साथ किसी को लेकर जाइए, अपने दोस्त को लेकर जाइए जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको लेकर जाइए, उनको बताइए कि भाई क्या हो रहा है, मेक मी अंडरस्टैंड, ठीक है, और फिर देखो जो होता है, आपके फ्रेंड भी आपके साथ आएंगे तो वो यू नो बेटर जज कर पाएंगे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ यू नो ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए, इस वीडियो के कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए ये वीडियो की ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट करी है, ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम की बात आपको बताऊं, उससे पहले आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली कुछ ही समय में टैरो का क्लास होने जा रहा है, अगर आप चाहते हैं टैरो का क्लास करना, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, इतने ही बेहतरीन रीडिंग्स देना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे टैरो की क्लास में प्रेजेंट हो जाइए, नीचे मैं लिंक डाल दूंगी जहां पर आप यू नो जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो, और यस, अगर आप बहुत ही डीप में अपने लिए न्यूमरोलॉजी का रीडिंग चाहते हैं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही डिटेल्ड होता है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर आप ये रीडिंग चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स यू नो आप ये रीडिंग ले सकते हैं, प्लीज़ जाकर मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर वो रिपोर्ट आप यू नो यस रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।